हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए ज़्यादा बवक ना करके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक देख के शायद आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि नॉर्मली जिस टाइप की वीडियो मैं बनाता हूँ उससे तो टोटली अलग है। जैसे कि आप सब लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, लेट्स गेट दिस मूवी रिव्यूड बाय मूवी स्टॉक शो। ये वीडियो उसी टॉपिक पे है और मुझे नहीं लगता मूवी स्टॉक शो को कोई अलग से इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोग ही जानते ही होंगे उनको। तो मैं क्यों चाहता हूँ इस मूवी को रिव्यू किया जाए बाय मूवी स्टॉक शो, और इसका बेनिफिट्स और लॉसेस क्या है, और फ्यूचर में इसका एनिमे कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, मैं क्यों चाहता हूँ इस मूवी को रिव्यू किया जाए बाय मूवी स्टॉक शो, क्योंकि ये मूवी लिटरली ऑसम है। अगर इस मूवी को मैं रिव्यू करने बैठूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे और मैं इस मूवी को ठीक से रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। और जिस टाइप का कंटेंट हमारे इंडियन ऑडियंस को पसंद है, हार्ट टचिंग इमोशनल कंटेंट, तो उन सारी चीज़ों की कोई कमी नहीं है इस मूवी में। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये मूवी रिव्यू किया जाए बाय मूवी स्टॉक शो। तो चलिए हमारा दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है इसका बेनिफिट एंड लॉसेस क्या है। तो अगर मैं क्या मूवी को मूवी स्टॉक शो रिव्यू कर दे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो कुछ न्यू ऑडियंस जो कंटेंट लवर है एनिमे के साथ इंट्रोड्यूस होंगे, न्यू एनिमे फैंस बनेंगे और हमारी इंडियन एनिमे कम्युनिटी का ग्रोथ होगा। और जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे नेटफ्लिक्स और बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एनिमेस का राइट खरीदेंगे और उनको हिंदी में डब करेंगे। इसीलिए चलिए हम सब लोग रिक्वेस्ट करते मैं क्या मूवी को रिव्यू करने के लिए मूवी स्टॉक शो को। तो चलिए लॉसेस के बारे में आप बात करते हैं। लॉसेस के बारे में बात करें तो लॉसेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मूवी स्टॉक रिव्यू कर दे तो हमारा ही फायदा है, अगर ना कर दे तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा और क्या। तो चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडियन एनिमे कम्युनिटी पर। तो अगर हम लॉन्ग टर्म या फ्यूचर के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमारी ऑडियंस बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा ऑडियंस बढ़ेगी हमारा ही फायदा है, उतनी ज़्यादा एनिमे सीरीज एंड मूवीज इंडिया में रिलीज होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। और हाँ, थिएटर रिलीज को कौन भूल सकता है, थिएटर रिलीज भी बढ़ेंगे। सो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जाइए इंस्टाग्राम में और मूवी स्टॉक शो को DM कीजिए या मैसेज कीजिए। और मैंने प्रीवियसली मूवी स्टॉक चैनल के साथ बात की है तो भाई बहुत अच्छे सबका DM का रिप्लाई देते हैं। तो आप भी जाकर इंस्टाग्राम में उनको मैसेज कीजिए और बोलिए कि मैं क्या मूवी को रिव्यू करने के लिए। तो आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप सब लोग जाइए और मूवी स्टॉक चैनल को रिक्वेस्ट कीजिए इस मूवी को रिव्यू करने के लिए। तो जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कीजिए और मूवी स्टॉक चैनल को जाकर रिक्वेस्ट करो मैं क्या व्हेन द प्रॉमिस फ्लावर ब्लूम्स इस मूवी को रिव्यू करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है हमें मूवी स्टॉक चैनल को रिक्वेस्ट करना चाहिए तो ही इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो फालतू में इस वीडियो को शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो मत शेयर कीजिए। सो बाय फॉर नाउ, और शायद नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ सकता है अपना ओल्ड टॉपिक पर।